आज हम बनाएंगे सोया पकौड़ा। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये एक कटोरी सोयाबीन है जिसे मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। देखिए अच्छे तरीके से ये फूल गया है। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। इसे हम जार में डाल देते हैं और देखिए इसे हमें दरदरा पीसना है। चलिए इसे हम पीस लेते हैं। देखिए सोयाबीन हमारा अच्छे तरीके से पीस चुका है। इसे हमने दरदरा पीसा है। इसे हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए इसमें हम 4 चम्मच बेसन डाल देते हैं, 3 चम्मच सूजी डाल देते हैं, 1 मीडियम साइज का इसमें हमने बारीक काट लिया प्याज ये डाल देते हैं, 6 हरी मिर्च डाल देते हैं जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, थोड़े से धनिया पत्ते डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च लिया ये डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल देते हैं और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देते हैं। चलिए इन सभी को हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। देखिए हमने अच्छे तरीके से मिला लिया। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम तेल डाल देते हैं। देखिए तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम पकौड़े बना लेते हैं। देखिए अलट पलट करके इसे हमें पकौड़े को अच्छे तरीके से तलना है। और देखिए जो सोयाबीन है इसके अंदर आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, इसमें आप सूजी भी डाल सकते हैं। चलिए इसे हम पलट लेते हैं। देखिए पकौड़ा ब्राउन होने तक हमें तलना है। और देखिए पकौड़ा हमारा ब्राउन हो चुका है। चलिए इसे हम टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। देखिए हमारा सोया पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसे हमने ग्रीन चिली सॉस और शेजवान चटनी के साथ इसे हमने सर्व किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसी बनी है।